राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले यूपी भाजपा प्रभारी राधामोहन सिंह, बोले उत्तर प्रदेश सरकार देश की सबसे पहले लोकप्रिय सरकार। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण सिंह से भी मुलाकात। भाजपा के यूपी प्रभारी राधामोहन ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्वतंत्र देव सिंह बोले, योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, जितने पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। लखनऊ में बीएल संतोष की मैराथन बैठकों का असर, यूपी में खाली पड़े नियमों आयोगों के पद जल्द भरे जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के नामों पर हुई चर्चा, 5 जुलाई से पहले सभी पद भरे जा सकते हैं। जल्द ही नामों की लिस्ट सरकार को भेजने की तैयारी। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। राजनाथ सिंह के निवास पर हुई दोनों की मुलाकात। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेथानी ने की पुष्टि। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर रखा था 1,00,000 का इनाम। अतीक अहमद के भाई गैंगस्टर पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। सभी भूखंडों को कुर्क कर पुलिस ने लगाया नोटिस बोर्ड। नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बने अस्थाई कोविड अस्पताल को किया गया बंद। कोरोना के दूसरे वेव में बनाया गया था अस्थाई कोविड अस्पताल। हापुड़ के धौलाना कस्बे में करीब 3 दर्जनों ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया। ग्राम प्रधान अतीक अहमद ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ग्रामवासियों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने घोषणा की कि मिर्जापुर जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में जो भी ग्राम पंचायत सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूर्ण करेगी, उस ग्राम पंचायत से सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से 10,00,000 रुपए का विकास कार्य कराऊंगी। आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज और मंडलीय अस्पताल सहित 5 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का 70% काम पूरा हो चुका है। बहराइच के जिला अधिकारी एक्शन मोड पर आए। M2 फैसिलिटी में 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता के निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। रुड़की में बांटी गई होम आइसोलेशन किट, पाई गई अधूरी। किट में कई सामान गायब होने से स्वास्थ्य विभाग के कामों पर उठे सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किट में लिखा हुआ थर्मामीटर, हैंड सैनिटाइजर और ऑक्सीजन मीटर किट से गायब। यूपी के 71 जिलों में कोविड कर्फ्यू खत्म। कल से गौतम बुद्ध नगर में भी कोविड कर्फ्यू होगा खत्म। अब मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर में ही कर्फ्यू। इन जिलों में सक्रिय मामले 600 से ऊपर हैं। दिल्ली यूपी के बाद अब उत्तराखंड में अनलॉक की तैयारी। पहले चरण में कम संक्रमण वाले इलाकों को खोलने की तैयारी। बाजारों में भी मिल सकती है ढील। भारत में 2 महीने बाद सबसे कम कोरोना केस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,14,460 नए मामले रिपोर्ट। 2,667 मरीजों की मौत। 1,89,232 लोग जीते कोरोना से जंग। 77,449 एक्टिव केस कम। 5 जून तक देश भर में 23,13,22,000 वैक्सीन की खुराक दी गई। 24 घंटे में 33,53,539 टीके लगाए गए। इसके अलावा एक दिन में 20,36,000 कोरोना सैंपल टेस्ट। अब तक 36,47,00,000 के पार कोरोना टेस्टिंग। देश में कोरोना के मामले 2,88,09,339 हो चुके हैं। इनमें से 2,69,84,741 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की तादाद 14,77,799 हुई। अब तक 3,46,759 लोग गंवा चुके जान। यूपी में कोरोना के 1,165 नए मामले सामने आए। कोरोना के एक्टिव केस 17,928। अब तक 2,23,00,000 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 31,00,000 से ज्यादा युवाओं को लग चुकी है वैक्सीन। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,10,000 टेस्ट हुए।
लखनऊ में कोविड की तीसरी लहर को लेकर तैयारी, बच्चों के लिए अस्पतालों में 308 बेड तैयार, केजीएमयू में 156, बलरामपुर अस्पताल में 40 बेड, सिविल अस्पताल में 15 और लोकबंधु अस्पताल में 60 बेड बनाए गए। उन्नाव में नगरपालिका परिषद चेयरमैन ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अनूठी पहल की। अपने अपने वार्ड से संक्रमित को खत्म करने पर सभासद को अतिरिक्त विकास का ऑफर दिया। वार्ड को कोरोना मुक्त घोषित करने पर 2 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। कानपुर में लखनऊ कानपुर रेलवे रूट में एक डीजल ट्रेन के 3 और 11 नंबर डिब्बे में आग लग गई। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया आग कैसे लगी ये अब तक पता नहीं चल पाया है। समय रहते हुए हमने आग को नियंत्रित कर लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। गोंडा में अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, कार के उड़े पर खच्चे, एक घायल, शादी समारोह से आ रहा था घायल। कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबा मीठिया के पास हुआ हादसा। श्रावस्ती जमुना तहसील परिसर में लगे जनरेटर में लगी आग, चलते चलते जनरेटर आग का गोला बना। आग लगने से तहसील परिसर में मची अफरातफरी। हरदोई के केनाल रोड पर नाले में गिरा सांड, दमकल कर्मियों ने जेसीबी लगाकर रेस्क्यू कर सांड को नाले से बाहर निकाला। करीब घंटे भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मुरादाबाद में दिखा आग का तांडव, रामपुर रोड पर मोम फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, कुछ ही देर में फैलने लगी आग की लंबी लंबी लपटें, मौके पर छाया धुएं का गुबार, कटघर थाना इलाके की घटना। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। घंटों जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका, आग से लाखों के नुकसान की आशंका। ग्रेटर नोएडा के कसाना टावर में लगी भीषण आग, टावर की 5वीं मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी, दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी रही। बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा कमर्शियल बेल्ट में है कसाना टावर। लखनऊ के नखास इलाके में गुमटी में भयंकर आग लगने से हड़कंप, पलभर में आग में जलकर राख हुई गुमटी, आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। बिजनौर में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। थाना स्योहारा के मछली मंडी का मामला। आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, 2 बच्चों के शव नदी से निकाले गए, जबकि 1 बच्चे की तलाश कर रहे गोताखोर, सिकंदरा थाना क्षेत्र की घटना। सहारनपुर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी और एसएसपी सहारनपुर ने शराब की सभी दुकानों पर जिले में चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान। डीएम और एसएसपी ने शराब के सभी ब्रांड के बारकोड को स्कैन करके चेक किया। फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव से अपहरण के बाद फिरौती की 20 लाख की मांग न पूरी होने पर 13 साल के बच्चे की हत्या के बाद शव कुएं में फेंके जाने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने अपहरण के बाद कुकर्म कर हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूली। लक्सर में दबंगों ने बरपाया आतंक, गलियों में फायरिंग करते घूमे कई अज्ञात युवक, गांव में फैली दहशत, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में एटीएम मशीन से पैसे चुराने वाला ग्रुप गिरफ्तार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 लोग हैं जिसमें एक महिला भी शामिल है, आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए बरामद। कौशाम्बी पुलिस ने महिला की सिरकटी लाश की शिनाख्त की, पुलिस ने 72 घंटे में किया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पति और ससुर को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में 1 लाख का इनामी, मुठभेड़ में ढेर, शार्प शूटर परवेज को एसटीएफ ने मार गिराया, कुख्यात खान मुबारक का दाहिना हाथ था परवेज, चिल्वाताल इलाके में हुई मुठभेड़। महोबा में गांव में 5 डिसमिल जमीन के पीछे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी, आरोपी मौके से फरार।
बागपत के महनवा गांव में जालौन के एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप युवक की पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बरेली में छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में बरेली पुलिस ने पकड़े दोनों आरोपी। पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल, दूसरा गिरफ्तार। गैंगरेप के चारों आरोपी अब भी फरार। छह बदमाशों पर गैंगरेप का आरोप। श्रावस्ती में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। वन माफियाओं के पास से लाखों की बेशकीमती लकड़ियां बरामद। लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक लेकर बाहर जाने की फिराक में थे पांच वन माफिया। मसूरी में क्याकुली भट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। वहीं दूसरी करीब 60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। यूपी पुलिस के नए डीजीपी के चयन को लेकर कवायद तेज। शासन ने 31 आईपीएस अफसरों का ब्यौरा केंद्र को भेजा। नए डीजीपी के पैनल के लिए केंद्र को भेजे 31 नाम। वरिष्ठता के हिसाब से नासिर कमाल का नाम सबसे ऊपर। देहरादून नगर निगम ने दावा किया कि बरसात को लेकर तैयारियां पूरी हुई हैं। मई के पहले हफ्ते से नालों की साफ सफाई का काम जारी है। जून के आखिरी तक शहर के 50 मुख्य नालों की साफ सफाई का पूरा काम हो जाएगा। पौड़ी में कोरोना रोकथाम के प्रयासों में लगी आशा वर्कर्स ने अपनी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। उनका कहना है प्रोत्साहन राशि जो 1000 रुपए है इसे बढ़ाकर सरकार 5000 करे। उत्तराखंड में मजदूर 6 महीने से बिना मजदूरी मिले काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर मजदूरों में भारी आक्रोश। जल्द कंपनी को मानदेय भुगतान करने की मांग। हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे 72 पर नेपाली फार्म के पास बन रहे टोल प्लाजा को फिलहाल स्थगित किया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया फैसला। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म निर्माता सौरभ शुक्ला ने अल्मोड़ा का भ्रमण किया। उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लोकेशनों का लिया जायजा। कोटद्वार में देवी मंदिर के पास प्रमोद कॉलोनी के लोगों ने एक अस्पताल प्रबंधन पर कॉलोनी के रास्ते का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगाया। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी के ब्लॉकों पर नामांकन करने पहुंचे लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह दिखे। कतार से सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिखी। लोग भी बिना मास्क के पर्चे भरते हुए दिखे। सीतापुर में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की मतगणना के नतीजों में बड़ी गड़बड़ी होने का सनसनीखेज मामला। ब्लॉक हरगांव के आरओ ने बीडीसी को 2 पदों पर 4 लोगों को जिताया। एसडीएम ने दे दिए मामले की जांच के आदेश। लालकुआ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार को जगाने के लिए थाली और शंख बजाकर जताया विरोध। वाराणसी के पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल के बाहर हंगामा। सैलरी आधी मिलने से नाराज सफाई कर्मियों का हंगामा। कर्मचारियों का आरोप 17,000 रुपए के बजाय 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आजमगढ़ में सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू। करीब 1 महीने के बाद शुरू हुई ओपीडी, लोगों की दिखी भीड़। बिजनौर में बड़े भाई के इलाज के लिए पिता ने 4 साल के मासूम को बेच डाला। इलाज के लिए पैसों की कमी के चलते अपने ही दोस्त को लाखों में बेचा बच्चा। उन पैसों से भाई का इलाज करने के साथ रोजी रोटी के लिए खरीदी नई ई रिक्शा। खबर वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। बच्चे को उसके परिवार को लौटाया वापस। जालौन के मुख्यालय उरई से सिमरिया गांव तक जाने वाली सड़क खस्ता हाल। 15 किलोमीटर की सड़क की दूरी तय करने में लगते हैं 90 मिनट। कई साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाई सड़क। लोगों में जबरदस्त आक्रोश। सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में फर्जी ट्रांजिट पास केंद्र का हुआ भंडाफोड़। खनन से भरे ट्रकों की चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा। दिए जा रहे थे फर्जी ट्रांजिट पास। पीलीभीत के गांव में रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने डिवाइस बनाई है जिससे डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। छोटे से बल्ब के रूप में बनाई गई डिवाइस।
वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और पीएम मोदी ने 2015 में रखी थी नींव। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भव्य इमारत में लगे हैं 108 एल्युमिनियम से बने बड़े रुद्राक्ष। लोगों को अब उद्घाटन का इंतजार। गाय का गोलगप्पे खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में बुजुर्ग शख्स बड़े प्यार से गोलगप्पे के स्टॉल पर गाय और बछड़े को गोलगप्पे खिला रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, हमने केंद्र सरकार से 5 बार अनुमति ली है, उसके बाद भी अचानक केंद्र ने हमें रोक दिया। हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। सीएम केजरीवाल बोले, इस देश में अगर स्मार्टफोन पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। कई गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है, लोग बाहर नहीं जाना चाहते, इसलिए हम घर घर राशन भेजना चाहते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफियाओं का शिकार होती आई है। अगर घर घर राशन की योजना लागू हो जाती है तो माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा। पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। राशन डिलीवरी के मामले में केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की है। केजरीवाल ने राशन योजना पर झूठ बोला है। मोदी जी जो है वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं। और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक राशन का संबंध है, देखिए दो स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय। तो ये दो स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं उनको भी, जो मजदूर हैं जिनको आवश्यकता है, उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। संबित पात्रा ने कहा, मोदी जी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना के जरिए दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। दो योजनाओं के तहत दिल्ली को अनाज का कोटा मिला है। पश्चिम बंगाल के काथी में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। भाषा विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा, दूसरी लैंग्वेज की तरह मलयालम भी भारतीय भाषा है, भाषा पर भेदभाव बंद किया जाए। चुनाव हारने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का पहला भाषण, बोले, हम नॉर्थ कैरोलिना जीतने जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में राज्य में चुनाव जीतेगी। ब्राजील सरकार ने कोरोना महामारी के बीच कोवैक्सीन के आयात प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत बायोटेक कंपनी पहली खेप के तौर पर कोवैक्सीन की करीब 40 लाख डोज ब्राजील सरकार को दे सकती है। भारत सरकार की ओर से दिग्गज तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा पर लगाने के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने झींगा, बासमती चावल, फर्नीचर और आभूषणों समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा, जिम्मेदार नेता हैं भारतीय प्रधानमंत्री, भारत और चीन के मुद्दों को सुलझाने में सक्षम। एक दिन की राहत के बाद फिर हुई देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में आज पेट्रोल 95 रुपये और डीजल 85 रुपये का पार।
सात देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया। G7 समूह ने गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर 15% तक टैक्स लगाने के लिए ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए। 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली। नडाल ने अपने करियर में 16वीं बार फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई है। इसी के साथ एक ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।